हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 10 ये प्लेट्स डिवीजन लेना लास्ट टाइम मैंने बताया था उसी फॉर्मूले का है इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेर जीरो इज देन इक्वल टू आर इज देन बी। आर की वैल्यू बी से कम होगी जीरो हो सकती है राइट, तो जीरो और बी के बीच में आर की वैल्यू होगी। सपोज वी आर टेकिंग टू नंबर्स 10 एंड 3, तो 10 बाहर आएगा अंदर रहेगा, 3 से डिवाइड करेंगे उसको तो 3 3 9 रिमाइंडर बचेगा 1। तो 10 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3 × 3 + 1 राइट। तो ये बी है, ये क्यू है और ये आर है, तो ये सेटिस्फाई होता है जीरो। आर की वैल्यू जीरो और बी के बीच में है, आर की वैल्यू क्या है 1 एंड 3 के बीच में, आर की वैल्यू 1 है तो 0 और 3 के बीच में राइट, 0 और 3 के बीच में आर की वैल्यू, तो बी से ज्यादा नहीं हो सकती आर की वैल्यू। सपोज ये सब आपको लिखना है अपनी नोटबुक के अंदर, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इक्वल डिवीजन लेमा क्या है, फॉर्मूला कैसे है। 4 और 19 देते हैं, तो 19 बड़ा नंबर है उसको वो अंदर लेंगे हम, 4 के टेबल में 90 से छोटा कौन सा आएगा, 4 4 जा 16, तो 3 बचेगा राइट। 4 से बड़ी वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगी, जो डिवाइजर है उसी उससे बड़ी वैल्यू रिमाइंडर में नहीं आएगी, ये हमें पता है। तो 19 इज इक्वल टू बी कैन राइट 4 × 4 + 3 राइट। तो ये बी है, ये क्यू है और ये आर है, तो आर की वैल्यू 0 एंड 4 के बीच में आ गई बराबर, 3 है 0 और 4 के बीच में, यहाँ पर देखेंगे 1 जो है 0 और 3 के बीच में राइट। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ये बोल रहा है, तो यूक्लिड लेमा मतलब क्या है कि हम कोई मेथड करते हैं और वो मेथड से नेक्स्ट, ये मेथड का यूज हम नेक्स्ट बाय नेक्स्ट ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे और कोई कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, उसको हम लेमा बोलते हैं। तो 81 और 3 है, 81 एंड 3, 81 बड़ा है तो कौन सा आएगा 3 2 जा 6, 2 और 1 3 7 जा 21 राइट। तो वी कैन राइट 81 इज इक्वल टू 3 × 27 + 0 ओके, रिमाइंडर 0 है तो 3 × 27 + 0 तो ये बी, ये क्यू और ये आर, तो आर की वैल्यू 0 ही है ओके, 0 हो सकती है और बी से कम होनी चाहिए, लेस देन बी है ओके। तो ये आपकी नोटबुक के अंदर लिख देना है आपको। देन थ्योरम 1.1 यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये आपको टेक्स्ट बुक के अंदर से लिख देना है स्टेटमेंट। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर राइट। ये थ्योरम आपको नोटबुक में से नोटबुक में लिख देना है टेक्स्ट बुक में से देख के। दिस रिजल्ट वॉज परहैप्स नोन फॉर अ लॉन्ग टाइम बट वॉज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन बुक 7 ऑफ यूक्लिड्स एलिमेंट उसकी बुक नंबर 7 में ये लिखा था राइट, ये रिजल्ट लिखा था। यूक्लिड्स डिवीजन अल्गोरिदम इज बेस्ड ऑन दिस लेमा, तो लेमा के ऊपर से अल्गोरिदम राइट, ये जो स्टेटमेंट है उसको लेमा बोलते हैं। फिर स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे सेम स्टेप से राइट, तो अल्गोरिदम होता है, अल्गोरिदम मतलब स्टेप बाय स्टेप सेम मेथड फॉलो करो राइट। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है, अल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। अल्गोरिदम क्या है, एक स्टेप नहीं ऐसे बहुत सारे स्टेप, इसमें तो हमने एक स्टेप ही लिखे, तो ग्रुप ऑफ सेम स्टेप सेम टाइप ऑफ स्टेप्स ग्रुप में करेंगे तो उसको हम अल्गोरिदम बोलते हैं। विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तो अल्गोरिदम से क्या मिलता है, प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम। द वर्ड अल्गोरिदम कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ द 9th century पर्शियन मैथमेटिशियन अल ख्वारिज्मी राइट। तो अल ख्वारिज्मी
कौन था? पर्सन मेथड मिशन था, उसके ऊपर से एल्गोरिथम नाम मिला है। इन फैक्ट द वर्ड अलजिब्रा इज डिराइव फ्रॉम अ बुक ही रॉट कॉल्ड हिसाब अल जब्र जबरवाल, हिसाब अल जबरवाल मुकाबला, हिसाब अल जबरवाल मुकाबला, तो उसके ऊपर से अलजिब्रा वर्ड आया है, बराबर अल जिब्रा, अल ख्वारिज्मी, राइट, और अल्गोरिथम, राइट, अल्गोरिथम, तो अल्गोरिथम वर्ड अल ख्वारिज्मी पर से आया है, अलजिब्रा भी उसी के ऊपर से आया है, राइट। उसने बुक लिखी थी हिसाब अल जबरवाल मुकाबला। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, यानी लेमा क्या है? एक प्रूवन स्टेटमेंट है, पहले से किसी ने प्रूव कर दिया है, राइट, और उससे दूसरा स्टेटमेंट हम प्रूव कर सकते हैं, राइट। एक स्टेटमेंट जो पहले से प्रूव है और उसकी हेल्प से दूसरे स्टेटमेंट हम प्रूव करेंगे, उसको हम लेमा बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्मी, उसकी तस्वीर बताइए, राइट। तो अभी इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ओके। आप लोग को क्या करना है, गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजना है, तो मुझे पता चले आपने वीडियो देखा और आपकी प्रेजेंस होगी इसके ऊपर से, ओके ओके।